दोस्तों हो गया बड़ा चमत्कार। टीम इंडिया ने हार के बाद भी जीत लिया WTC 2023 का फाइनल मुकाबला। और ये चमत्कार कैसे हुआ है, BCCI के किस नियम के तहत जीती है टीम इंडिया WTC फाइनल 2023 का खिताब, जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC 2023 के फाइनल का आगाज हुआ लंदन में, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़ा स्कोर बनाया 469 रन का, जिसमें 93 ने 163 रन लगाए। और वहीं टीम इंडिया ने पहली पारी बनाए 296 रन और ऑल आउट हो गई। जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पे आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 270 बना लिए चौथे दिन के खेल खत्म होने से पहले और पारी घोषित कर दी 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें एलेक्स कैरी ने सबसे ज्यादा 66 रन लगाए और टीम इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। और अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 444 रन, जिसके जवाब में दूसरी पारी में टीम इंडिया 234 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई 63.3 ओवर में। और इस मुकाबले को टीम ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन के बड़े अंतर से जीता और भारतीय टीम का सपना तोड़ दिया WTC में चैंपियन बनने का। मार दोस्तों भारतीय टीम के क्रिकेट फैंस का मानना है कि सुमन गिल को बेईमानी से आउट करा दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जिस वजह से टीम इंडिया हारी है, वरना टीम इंडिया हारने का कोई चांस ही नहीं था। दोस्तों आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।